आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर बलिया से है, जहां पेपर लीक मामले में 7 सदस्यीय टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकरण के मास्टरमाइंड ब्रजेश कुमार मिश्र, निर्भय नारायण सिंह और राजीव प्रजापति सहित 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 25-30 हजार रुपए में प्रश्न पत्र को बाजार में बेचा। प्रशासन ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। तब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शासन के निर्देश के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां प्रशासन ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का निर्देश जारी किया गया था। अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 46 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि 25-30 हजार रुपए में प्रश्न पत्र को बाजार में बेचा गया था और मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तो पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलिया में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद एक्शन मोड में शासन प्रशासन नजर आया। सख्त निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई थी। और अब पेपर लीक मामले में 7 सदस्यीय टीम को बड़ी सफलता मिली है। तो आपको बता दें कि इस प्रकरण के मुख्य मास्टरमाइंड ब्रजेश कुमार मिश्र, निर्भय नारायण सिंह, राजीव प्रजापति समेत 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 25-30 हजार रुपए में प्रश्न पत्र को बेचा। और जब बलिया में इस तरह से पेपर लीक हुआ, इसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। 24 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया। 12वीं के इंटरमीडिएट के जो अंग्रेजी का परीक्षा था, उसे रद्द किया गया। हालांकि बाकी जगह पे प्रश्न, जिस तरह से पेपर का सेट अलग होने की वजह से बाकी जिलों में कराया गया, उसके बाद से ही बाकी जिलों में तो करवा दिया गया था पेपर, लेकिन जो बाकी के जिले थे, कुल 24 जिलों में पेपर को रद्द कर दिया गया था। और अब उन आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई थी और आज बड़ी सफलता मिली है, जहां 46 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अखिलेश कुमार जुड़ चुके हैं बलिया से। अखिलेश, बड़ी कार्रवाई की गई है, 46 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और अभी भी क्या कुछ ऐसे आरोपी हैं जो कि पकड़ से बाहर है पुलिस की? क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है? जी, आपको बता दें, पेपर लीक मामले में आज मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दो निर्भय नारायण सिंह और राजीव प्रजापति को बनाया गया। उसके बाद जितने भी आज 46 को भी पकड़ा गया है, जिसमें मूलतः निर्भय नारायण सिंह और राजीव प्रजापति को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसे तमाम प्रिंट से लेकर उसमें सॉल्वर और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, जिस तरफ की एसटीएफ और टीम में बार लगातार जांच कर रही है। अभी तक 46 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, तो जिस तरह से ये बात भी सामने आई है कि 25-30 हजार रुपए में पेपर को बेचा गया था, तो इसकी पुष्टि कैसे हुई है? और साथ ही साथ एनएसए लागू करने की बात की गई थी आरोपियों पे, तो क्या इन सभी 46 लोगों पे एनएसए लगाया जाएगा? आपको बताते हैं, जिस तरह का बलिया एक नकल माफियाओं का पूर्व से ही ग्रो रहा है, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से योगी सरकार ने कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं एक तरह से नकल माफियाओं में भय व्याप्त है। और एक कहीं ना कहीं एक सीख जरूर मिलेगा कि आगे जो भी पेपर लिख कर नहीं सोचे, तो ऐसी एक तरह से जो योगी सरकार का ये फरमान है, डर जरूर व्याप्त होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अखिलेश कुमार जुड़े थे बलिया से। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कुछ दबंगों ने तालाब को पाटने की कोशिश की। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का कहना है कि ये तालाब हमारी पुश्तैनी और सारा पानी तालाब में जाता था, तालाब पट जाने की वजह से सारा पानी सड़क पर आ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल और कानून गो की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाकर तालाब को पाटा जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और एसटीएन कुंडा लिखित शिकायत की है, और उच्च अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
यही है सर कि जो है इस बस्ती का जो है पानी इसमें जाता था और सब पुलिया बनी हुई दोनों तरफ और पुलिया बंद हो गई है। बरसात में विडम्बना बहुत हो जाएगी क्योंकि हम लोगों का पानी कहाँ जाएगा। और ये जो है कहते हैं कि पट्टा लिए हैं, क्या किससे लिए क्या लिए ये हम लोगों को नहीं जानकारी है, कब क्या किसके नाम पट्टा हुआ किससे बैनामा लिए ये वो जाने। और यही समस्या है सर, ये बहुत दिन से हम लोग जब से जान रहे हैं तब से ऐसे ही गड्ढा ही था, अब उसमें अपना मिट्टी उट्टी डाल रहे हैं। सर समस्या यहाँ यही तालाब का है, यहाँ पर ये तालाब हम लोग के जन्म के पहले का है, इसको लोग घाट रहे हैं माटी गिरा रहे हैं, इसको बोलते हैं कि हमारा ये भूमधरी जमीन है, जबकि हम लोग कभी नहीं जानते कि भूमधरी जमीन थी। नहीं तो जो लोग तालाब को भाट रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये सब कौन है ये तो सर हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ माटी गिर रही है तालाब में हम जानते हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब चर्चा में है और इस फिल्म को देखने को लेकर लोग उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रहने वाले एक शख्स ने मिलकर इस फिल्म के एक साथ 100 टिकट बुक कर अपने कुछ साथी पहुंचे। साथी फिल्म देखने पहुंचे दूसरे लोगों और स्कूली छात्रों को इस फिल्म को फ्री में दिखाया गया। फ्री फिल्म दिखाने वाले युवक का कहना है कि उनका मकसद ये नहीं है कि किसी के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, उनका मकसद है कि लोग इस फिल्म को देखें और कश्मीर की सच्चाई को जानें, उस समय कश्मीर के लोगों पर क्या गुजरी थी ये जानें। देखिए मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स, बुक कराने का मकसद ये था कि लोगों को सूचित किया जा सके कि कश्मीर की सच्चाई क्या है। कोई मकसद इस तरह का नहीं है कि किसी के खिलाफ नफरत फैलाई जाए या माहौल ऐसा बनाया जाए, बस ये है कि लोग उस बारे में बात करें, जानें कि क्या हुआ था, सच्चाई जानें और उस लोगों उस बारे में पूछें। जो लोग फिल्म देखने नहीं भी जा रहे हैं वो ये पूछें कि ये फ्री टिकट अगर बुक कर रहे हैं दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ में ही स्कूल में थे तब से हम लोग का साथ है। तो आपको क्या कुछ पता चला है मूवी के विषय में जो कि आप लोग यहाँ पर मूवी देखने रहे हैं? देखिए जी मूवी के बारे में तो ये है कि सच्चाई है कश्मीर की, जिसको लोगों का कहना है कि छुपाई गई है। हमारे बड़े मित्रगण थे जो कश्मीरी पंडित रहे हैं और उनसे भी हमें चीज़ों के बारे में पता चलता रहा है, बट ये कि अब जैसे ये सच्चाई सामने आई है तो ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, ये सच्चाई है क्या। मैं इसे एक्चुअली मूवी का नाम ही नहीं देना चाहती, ये एक रियलिटी है, तो मैं इसे मूवी की तरह से नहीं एक रियलिटी की तरह से देखना चाह रही हूँ, तब पता चलेगा कि कश्मीर के साथ जो हुआ है जो लोगों ने फेस किया है उसे हम समझें और फील करें ताकि आगे और लोगों के साथ ऐसा ना हो। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और शातिर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए गौकश अपराधी मुमताज की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर में आईपीएल शुरू होते ही पूरे देश में सट्टोरियों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा है। सेटिंग, गेटिंग और पावर के दम पर रोज करोड़ों अरबों का गेम खिलाने वाले सट्टोरी हर कला में पारंगत होते हैं। सेटिंग, गेटिंग से लेकर पैसे के लेन देन तक सारा काम बड़ी साफ सफाई से किया जाता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ सट्टोरियों को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच अपनी पीठ थपथपा लेती है। क्राइम ब्रांच ने 9 सट्टोरियों सहित 45 लाख की नकदी बरामद की है। पुलिस को काफ़ी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि शहर के अंदर सट्टा चल रहा है, जिसके लिए स्पेसिफिकली हमने डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देशन में एक टीम को लगाया था और प्रोएक्टिव तरीके से पुलिस ने एक मोडस ऑपरेंडी इस तरीके से अपनाई कि अपने ही एक आदमी को खेलने के नाम पर उसके अंदर एंट्री करवाई और उसके माध्यम से फिर एक से एक जो लिंक जुड़ता चला गया उसके माध्यम से पुलिस को पता चला कि बड़े वृहद तरीके से ये गोविंद नगर के अंदर कुछ लोग हैं जो सट्टा करा रहे हैं, जो विभिन्न ये जो वेबसाइट्स है स्पेसिफिकली ये protex.com इसके माध्यम से ये लोग आईपीएल का सट्टा करा रहे थे। पुलिस ने कल रात्रि में दबिश दी क्राइम ब्रांच की टीम ने, तो करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 45 लाख
30,000 रुपये बरामद किए गए हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के लालगंज एसडीएम ने 30 मार्च को तहसील में नायब नाजिर पद पर कार्यरत सुनील कुमार शर्मा की पिटाई कर दी थी। कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। क्लर्क का इलाज लालगंज के ट्रामा सेंटर में चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लालगंज कोतवाली के लालगंज तहसील का यह मामला है। एसडीएम लालगंज में हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे, जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई, और प्रशासन 2-3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध, और इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना था कि साहब हमारे साथ मेरा मेडिकल करा दिया जाए, तो तुरंत उसने आदेश कर लिया मेडिकल कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए, और उसने तुरंत जिलाधिकारी मेडिकल जाँच स्थित की है, जिसमें CRO साहब को जाँच। कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई, तो उनको लालगंज CHC में वहाँ पर एडमिट कराया गया, और रात भर वहाँ इलाज चला, और सुबह दोपहर के बाद वहाँ से इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और यहाँ पर तबियत खराब होने पर आज अभी डॉक्टर्स ने इनको सर ऐसा क्या हो गया था कि 30 तारीख को जब SDM साहब ने घर जाके दरवाज़ा तोड़ के मारा, उसके बाद लॉकअप में भी मारा गया इनको, लॉकअप ले जाके मारा गया, थाना लालगंज भी ले जाया गया था। अब ये सब पूरी जांच की चीज़ें हैं, जांच कर रहे हैं। रेफर होने के बाद परिजनों का आरोप है कि वापस एम्बुलेंस उतार लिया गया और यहाँ पर इलाज में लापरवाही की गई। सब चीज़ें देखी जाएंगी, बिल्कुल एक एक बात को देखा जाएगा किसी तरीके से। सर SDM लालगंज के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उस संबंध में भी देखा जा रहा है, अनुसार जो भी है कार्रवाई की। ग्रामीणों ने बम्बे में एक बोरे के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात ने बोरे में लाश भरकर बम्बे में डाल दिया है। वहीं घटना स्थल पर बड़ी तादाद में भीड़ लगी रही। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को बम्बे से निकाल कर देखा, जिसमें मांस भरा था। पुलिस ने मांस से भरे बोरे को गाँव वालों की मदद से खेत में गड्ढा खोद कर पाट दिया। जानवर का मीट था वो, पुलिस देख के कोई आया बेचने वाला, उसने फेंक दिया। पुलिस तो परेशान रही काफ़ी देर। तो आपने देखा क्या है इसमें? अरे वो मीट है, उसमें किसी यारो भैंसे को, भैंस का पड़ा मीट है और क्या। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर RSS ने प्रतिपदा कार्यक्रम का आयोजन किया। ये पद यात्रा इंदिरापुरम, घोड़ा सहित 15 अन्य नगरों से होकर गुजरी। वहीं कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम ने बलिराम हेडगेवार की जयंती भी मनाई गई। तो संघ संस्थापक की जयंती भी मनाई गई और पैदल मार्च निकाली गई, जो कि लंबे रूट तक निकाली गई। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ये 2 साल से नहीं हो पाया था। जिस तरह से हर बार यात्रा निकाली जाती थी, पदयात्रा निकाली जाती थी, वो हर 2 साल से नहीं निकाली जा पा रही थी, लेकिन इस बार इसे आयोजित किया गया। एक तरफ नवरात्रि तो दूसरी तरफ माहे रमजान चल रहा है। दोनों त्योहारों में फलों की मांग बढ़ी है। दोनों त्योहार पर बाजारों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र करके लाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो गया है। इस बार अप्रैल महीने में बड़ा ही गजब का संयोग बना है। इस साल नवरात्रि के पर्व के साथ रमजान भी शुरू हो गया है। एक साथ दोनों त्योहारों से बाजारों में रौनक लौट आई है और त्योहारों की खुशी और बाजारों में काफी ज्यादा चहल पहल दिखाई दे रही है। इसी क्रम में प्राइम टीवी टीम नवरात्रि और रमजान से संबंधित दुकानों पर गई। दुकानदारों के पास पूजा का कितना सामान उपलब्ध है इसे भी दिखाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवरात्रि पे पूजा संबंधित एक दुकान पे, जहाँ नारियल रखे हैं, फूल रखे हैं, कलश रखे हैं और हवन की लकड़ी रखी है। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। सुजाता। अच्छा आंटी, ये बताएं कि नवरात्रि चल रहा है, कैसी बिक्री है पहले के मुताबिक? नहीं हो रही है, उस तरह की बिक्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना महंगाई है, कितना इंसान लेगा? अपना उसको घर भी तो चलाना है, अपना बजट भी तो बनाना है उसको। एक ही बार में सब खरीद लेगा तो क्या करेगा फिर इंसान? वही है कि अपना महंगा जहाँ 40 रुपए में मिलता था, 120 रुपए किलो है फूल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? नारियल का विशेष उपयोग होता है। हाँ। नारियल पहले क्या था और नवरात्रि के शुरू होने के बाद क्या रेट है? अभी समय भी है यही है 22-25-23। पहले क्या रेट थे? पहले 18 में था, 16-17, अब तो बहुत ही महंगा होता चला जा रहा है। वही मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं, कलश लगाए जाते हैं नवरात्रि के अंदर में। पैसे बढ़े हुए हैं, जो 10 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का हो गया है जी। तो जब जैसा आपकी बिक्री पे क्या असर आया भैया? बहुत असर आया आपकी, ये क्या पड़ा, ये असर आया देख लीजिए। ये बिक्री होती तो ये पड़ा रहता, कुछ ना पड़ा पहले रहता। अगर बात की जाए तो पहले क्या बिक्री का मतलब एक देखा जाए रेशियो की, बिक्री इतने की होती थी और अभी कितने की हो रही है, क्या उसमें किस तरह का आती थी? सामान सब बिक जाता था, नहीं ज्यादा तो अपने अपने बजट भर का पैसा भी मिल जाता था हम लोग को। तो आपने सुना कि पहले के मुताबिक जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वहीं यहाँ एक व्यक्ति हैं जो हवन की लकड़ी काट रहे हैं, इस दुकान के मालिक हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। दादा अपना नाम बता दें। अमन। अच्छा ये बताए दादा, आप ये हवन की लकड़ी काट रहे हैं, पहले के मुताबिक क्या फर्क आया है मार्केट के अंदर में? बहुत फर्क आया भैया, बहुत महंगाई है, कहीं ढूंढे से लकड़ी मिलती नहीं है जल्दी, काफ़ी दूर तक जाते हैं, गांव से लाते हैं लकड़ी, यहाँ काटते हैं लाके, किराया भी खर्चा होता है और यहाँ काटते भी हैं, उसका मतलब बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अच्छा अगर बात की जाए तो पहले जो 2 साल लॉकडाउन रहे जिसमें बिक्री पे काफ़ी असर था, लेकिन उसके बाद अगर इस बार देखा जाए तो बिक्री में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ और गिर गया है। अच्छा वही बताइए जा रहा है कि पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, जिससे जो मालवाहक गाड़ियां हैं उसके जो पैसे हैं वो कहीं ज़्यादा पड़ रहे हैं आप लोग को, तो जो आपके दुकानों पे सामान है उसकी कीमतों में किस तरह का उछाल आया है और कितने रुपए, कुछ हमें बताएं। अरे वो जो है, मैं एक तो मिट्टी के बर्तन में पैसे बढ़ गए हैं, जो हम लोग बेचते हैं कलश वो बेचते हैं, सब बेचते हैं, इसमें पैसे बढ़ गए हैं काफ़ी। जो पहले हम लोग को बेनिफिट मिलता था अब वो नहीं मिलता है, एक दो बच्चों का पेट पालने हैं, घर का सारी मार है महंगाई की। सरकार से निवेदन है कि हमारा कम से कम, हम गरीबों को कम से कम कुछ राहत मिले। पहले से जो होली पर त्यौहार मनाई जाती थी, तो आपने साफ तौर पे सुना कि इनका कहना है कि पहले के मुताबिक बिक्री भी कम हुई और साथ ही साथ महंगाई का आलम यह है कि जो सामान 10 का था वो आज के समय 20 में मिल रहा है। त्यौहार का समय है, साथ साथ देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के साथ फल सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई के बढ़ते हाल पर खरीदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस त्योहारों के समय बढ़ते दामों पर उनका कितना असर हो रहा है? एक तरफ रमजान तो दूसरी तरफ नवरात्रि चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं एक फल मंडी में, जहां आपको बता दें कि तमाम लोग यहां खरीदारी के लिए आए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि विगत 10 दिनों से पेट्रोल और डीजलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो फल की रेट हैं उसका कहीं ना कहीं भाड़ा बढ़ा है। वहीं एक व्यक्ति हैं जो अपनी खरीदारी करने यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे जो पहले का अगर देखा जाए, आप केला खरीदे हैं तो पहले के मुताबिक क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, आधे का फर्क हो गया है, कम से कम नहीं तो आधे का फर्क हो गया है।
अब ये समझिए आदमी सोचता है ठेले पर खड़ा होता है भागता है जाम सुन के इतना महंगा कहाँ खरीद पाएंगे, आदमी पानी से गुजारा कर लेगा इस टाइम पे, ये समझ लीजिए पानी भी तक महंगा समझ लीजिए हो गया, तेल से ज़्यादा पानी महंगा आएगा। अच्छा क्या त्यौहार बनाने में कोई दिक्कत आ रही है इन सब महंगाई को देखते हुए? मनेगा आदमी गरीब से गरीब मना लेगा त्यौहार, मगर जो परेशानियाँ झेल रहे हैं आदमी अब वो जो महंगाई होती चली आ रही थी वजह, अब इसके लिए क्या करें हम लोग बताइए। इसी क्रम में हमारे साथ एक दुकानदार भी हैं जो अपने फल की दुकान लगाए हुए हैं, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रिजवान। अच्छा रिजवान, हमें ये बताएं कि रमजान चल रहे हैं साथ ही साथ नवरात्रि चल रहे हैं तो इसमें फलों की मांग बढ़ जाती है, अगर बात की जाए रेट की मूल्य की तो क्या बढ़ोतरी हुई है विगत अगर 10 दिनों और त्योहार शुरू होने के पहले क्या रेट थे और अभी क्या रेट है? नहीं अभी जो पहले रेट थोड़ा कम थे अब जो है रेट थोड़ा ज्यादा हो गए। आप हमें एक एक करके रेट बताएं कि पहले इसका रेट क्या था और अभी क्या है। पपीता कल के डेट में जो है वह मार्केट में जो है 20 रुपए किलो था, आज के डेट में वहाँ 30 रुपए किलो है, और केले जो है 35 रुपए के आ रहे थे, आज के डेट में 45 रुपए के आ रहे हैं, और तरबूज जो है 20 रुपए के आ रहे थे, आज के डेट में 26 रुपए के आ रहे हैं, हर चीज पे 5 रुपए 6 रुपए किलो बढ़ गया। त्योहारों का समय है, साथ साथ देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के साथ फल सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत है, जो चीज़ 10 रुपया की आती थी अब आज के डेट में 20 रुपया की आ रही है, कौन कितना लेगा कौन कितना क्या करेगा, गरीबी गरीब लोग तो खाना खा सकते हैं अब उनके पास बैलेंस नहीं है बजट नहीं है तो क्या करेंगे। बिल्कुल दिख रहा है पेट्रोल डीजल की दाम, सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता ही नहीं उससे हर चीज़ पे असर पड़ता है, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, क्योंकि जो वेयर टेयर जो हमारा जो आता है फ्रेट सब उसी से आता है तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, और सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि रमज़ान भी है नवरात्र भी है तो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करे, कुछ ना कुछ जो इस टाइम टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो जो कम कर सकती है उसको कम करके कहीं ना कहीं राहत दे हर वर्ग के आदमी को। महंगाई के बदलते हाल पर खरीदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस त्योहारों के समय पर बढ़ते दामों का उन पर कितना असर हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। नवरात्रि और रमजान से जुड़े अनेकों दुकानों पे हम गए, वहां लोगों से जाना कि महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है, तो साफ तौर पे लोगों के अंदर एक रोष है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो भाड़े महंगे हुए हैं, दुकानदारों ने बताया कि जो भाड़े महंगे हुए उसकी वजह से फलों के दामों की रेटों में बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं मांग को लेकर भी जो मूल्य है उसको बढ़ाया गया है। वहीं अगर बात की जाए जनता की तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान बनाकर महंगाई पर रोकथाम लगाना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।